हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं सोनी वर्मा, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और देखिए हमारे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए एस्टर का आज पहली बार खिल रहा है फूल। और इसमें देखिए हम लोग ने पिंचिंग किया था जब पौधा ही थी, तो कितनी सारी इसमें कलियाँ आ चुकी हैं। ये देखिए खूब सारी कलियाँ बनी हुई है, ये देखिए। और दोस्तों हम लोग कॉस्मोस का जो है शीट्स कलेक्ट करने का टाइम आ गया है, तो अब देखिए इसमें शीट्स बनने लगे हैं। ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, तो मैंने अब जो है इसमें फ्लावरिंग हटानी बंद कर दी है। अब जो है इसको सुखा के, जैसे जैसे इसके फ्लावर सूखेंगे तो इसके शीट्स नीचे बनते रहेंगे। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि शीट्स जो है नीचे बिखर ना जाए। तो रोज़ इसकी मतलब आप देखते रहिए कि कहीं हमारे शीट्स अगर बढ़िया, जैसे ये शीट्स इसके ब्लैक होंगे तो ये सूख के थोड़ा सा ये फैल जाएगा। ये कॉस्मोस का ये जो है पेटल जो है इस तरह के, ये सूखेंगे जितनी जल्दी ये सूखेंगे वो पेटल्स ये जो है ये ऐसे करके फैल जाएंगे, तो उसमें शीट्स साफ साफ दिखने लगेंगे। तो मैंने ज़्यादातर को जो है शीट्स के लिए छोड़ रखा है। और यहाँ पर भी ये जो प्लांट है हमारा, ये अब ये भी इसके फ्लावर्स भी छोटे होने लगे हैं, तो मैंने जो जो फ्लावर्स इसके हैं वो मैंने शीट्स के लिए बचा लिए हैं, तो इसमें भी शीट्स बनेंगे तो मैं कलेक्ट करके रख लूँगी। ये देखिए दोस्तों, और इसमें तो खैर अच्छे एनुअल क्रिसेंथेमम में अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, तो अभी तो फ़िलहाल इसको मैं अब इसको भी पिंच जो ख़राब फूल है उसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, क्योंकि फ़्लावर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको भी अब मैं शीट्स के लिए, जिसमें इसमें कलियाँ बननी बंद हो गई हैं और छोटी छोटी कलियाँ हैं, तो अब मैं इसको भी छोड़ दूँगी शीट्स के लिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले पार्क में मेरे जो है थूजा का प्लांट लगा हुआ है, तो उसमें से कुछ शीट्स ला के बारिश के मौसम में मैंने डाल दिए थे। तो पता नहीं ये लग रहा मोर पंखी का ही लग रहा है। ये देखिए छोटू सा मेरा एक प्लांट निकल आया है। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा घास फूस निकल आया है, लेकिन मैंने कहा कि चलो लगा रहने देते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन आप बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। ये मुझे तो लग रहा है ये मोर पंखी का प्लांट है, जिसे हम थूजा कहते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो इस तरह के मतलब लीव्स निकले थे ये वाले, अब जो है इस तरह के निकलने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा थूजा का ही प्लांट है। ये देखिए, एक तो ये यहाँ पर ये वाला मैंने शिफ्ट कर दिया था बड़े गमले में से यहाँ पे, क्योंकि बड़े गमले में ही इसके शीट्स डाले थे मैंने। और एक यहाँ पर भी निकला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, अमरूद के इसमें जो है मैंने लगा रखा था। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए ये भी यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसमें से दो तीन शीट्स ही मेरे जो है प्रोपोगेट हुए हैं, तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी दूसरे गमले में, थोड़ा कोकोपीट और खाद वगैरह मिला के। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है मॉर्निंग ग्लोरी के शीट्स मैंने इसमें डाल दिए थे, वो भी जो है प्रोपोगेट हो गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये मॉर्निंग ग्लोरी की शीट्स हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो है मैंने ये शीट्स, इतने सारे शीट्स पता नहीं यहाँ वहाँ बिखेर रखे हैं तो पता नहीं लग रहे हैं, तो इसीलिए जो है मैंने इसे छोड़ दिया है। ये बाद में मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से किस चीज़ शीट्स हैं। तो ये देखिए इसमें भी प्रोपोगेट हो गया है, ये जब थोड़ा बड़ा होगा तो मालूम पड़ेगा कि किस चीज़ के हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों, यहाँ जो है खूब सारे शीट्स गिरे थे और कुछ मैंने ऐसे ही एवी डाल दिए थे। तो ये देखिए दिन का राजा जो है उसके खूब सारे प्लांट निकल आए हैं, पौध निकल आई है। और यहाँ पर देखिए मैक्सिकन पिटोनिया बगल में लगा रखा है ये, तो इसके शीट्स फट फट के न जाने कहाँ कहाँ गिरे हैं। तो देखिए इसकी भी पौध निकल आई है, और ये पिंक वाला, ये देखिए ये पिंक वाला मैक्सिकन पिटोनिया है, तो उसी के शीट्स यहाँ पर गिरे हुए हैं। और ये देखिए इसमें ये पौध निकल आई है, इसमें मॉर्निंग ग्लोरी का भी शीट्स, ये देखिए ये बेल मैंने यहाँ से चढ़ाई थी, ये देखिए, तो इसमें से जो है मॉर्निंग ग्लोरी के भी शीट्स गिरे थे और इसमें देखिए ये भी निकल आई है। और ये देखिए इसमें शीट्स बनने लगे हैं, तो इसे हमें तोड़ देना है, क्योंकि हमें फ्लावर्स चाहिए, शीट्स नहीं चाहिए अभी। तो जितने शीट्स जो मतलब शीट्स बनने लगे हैं तो उनकी आप पिंचिंग करते रहिए, नहीं तो फ्लावरिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग का मौसम है। इसे भी थोड़ा सा साफ सुफ करना है मुझे, क्योंकि इसमें ये बेल का मतलब बेल पत्र का प्लांट लगा हुआ है,
ये हमारे भोले बाबा में बेलपत्र का प्लांट लगा है और हमारी पार्वती जी जो हैं उनमें जो है पंचमुखी गुड़हल का प्लांट मैंने लगा रखा है। और दोस्तों देखिए विंका में भी शीट्स ये देखिए बने हैं, तो इसमें जो जो शीट्स खूब सूख गए थे अच्छी तरह से तो उसे मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया था। ये देखिए तो इसमें भी देखिए ये निकलने शुरू हो गए हैं। बस इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए इसमें छोटी छोटी पौध बननी शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने गार्डनर दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए और ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन पता लगे। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।